सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों रॉयल पिजन्स चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरे छोटे से यूट्यूब चैनल रॉयल पिजन्स में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, टाइटल और थंबनेल देख के आप लोग ऑलरेडी समझ गए होंगे कि मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा मेरे कबूतर कलेक्शन का सबसे पुराना एक कबूतर। तो वीडियो के एंड तक देखते रहिए और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो एक बहुत पुराना कबूतर है। अगर आप लोग कबूतर पालते हो बहुत दिनों से तो आप लोग देख के ही समझ गए होंगे ये बहुत पुराना कबूतर है। आप लोग देख सकते हो, चोंच देखिए, पुराना कबूतर जैसे है, मोटा चोंच है इसका। तो पहले मैं इसका आँख दिखा देता हूँ, आँख देख लीजिए। तो दोस्तों, वीडियो को और थोड़ा आगे ले जाने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके उसके पास में जो बेल आइकन है उसे दबा के ऑल पे सेट कर दो। मेरे वीडियो को एक लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो कि आपके दोस्तों भी ये वीडियो देख पाए। तो चलिए मैं इसका आँख फिर से एक बार दिखा देता हूँ ठीक से, आप लोग देखिए वीडियो को एंजॉय कीजिए। देखिए आँख, देखिए बहुत अच्छा आँख है इसका, रेड आई है। तो फ्रेंड्स, आप लोग अगर कबूतर पालते हो तो आप लोग समझ गए होंगे कि बहुत अच्छा कबूतर है ये, देखते ही समझ जाएंगे आप लोग। देखिए बॉडी स्ट्रक्चर देखिए बहुत अच्छा है इसका। चलिए अब इसके एक बार पर दिखा देता हूँ, पर देखिए दोस्तों। सबसे अच्छी बात ये कबूतर जो है बहुत सारे मैच खेला है, रेस में भी पार्टिसिपेट किया है ये कबूतर और 3 बार जीत गया है ये मैच। लेकिन अब इसका मैं सिर्फ बच्चा लेता हूँ क्योंकि इसे अभी उड़ाया नहीं जा सकता, क्योंकि आप लोग समझ सकते हो पुराना कबूतर है। बाई चांस चला गया, मेड्रेसी कबूतर है, नहीं जाएगा, फिर भी रिस्क कैसे लूंगा मैं ऐसे कबूतर के लिए। चलिए अब मैं इसका एक बार पैर दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, इसका पैर का नाखून नहीं है, इस पैर का नाखून नहीं है इसका, लेकिन इस पैर का है। तो नाखून देखिए आप लोग, सफेद टाइप का है नाखून इसका, और चोंच भी देखिए उस टाइप का है, एकदम सेम टू सेम है सभी। बहुत अच्छा कबूतर है, आप लोग समझ गए होंगे। तो इसका पेयर है, इसका पेयर का भी वीडियो है मेरे पास, आप लोग देख लेना, उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लेना ज़रूर। और इसका बच्चा भी है, उसका भी लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए अब मैं इसे एक बार छोड़ के दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं एक बार इसका दुम दिखा देता हूँ। दुम देख लीजिए, देखिए एकदम स्ट्रेट है पूरा, देखिए दुम देख लीजिए इसका। एक बार खोल के दिखाता हूँ, दुम ब्लैक दुम है, जीरा कबूतर का जैसा होता है। देखा जाए तो अच्छा कबूतर है। तो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना, और आप लोगों के पास है या नहीं है तो कमेंट कर देना मुझे ज़रूर। आँख का पट्टी देख सकते हो आप लोग। चलिए अब मैं इसे एक बार छोड़ के दिखा देता हूँ, इसका पेयर भी इधर ही बैठा है, मैं दिखाता हूँ, रुकिए। देखिए इसे मैं छोड़ दिया, अब इसका पेयर को मैं नीचे छोड़ता हूँ। देखिए हाई क्वालिटी का कबूतर है एकदम, क्योंकि इसका मादा ऊपर है। देखिए मैं इसे नीचे लाता हूँ, आप लोग देखते रहिए वीडियो को। देखिए ये मादा नीचे आ गया, 2 बार चोटियाँ ले। तो इसका वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जाके जरूर चेक कर लेना, एक बार देख लेना मेरे वीडियो को। देख सकते हो दोनों ठीक ठाक ही है पेयर एकदम। तो आप लोग को पेयर कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट कर देना। सो फ्रेंड्स, मेरे बाकी के कबूतर मैं एक बार दिखा देता हूँ, इसका बच्चा भी है, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उन्हें ठीक से देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल में जाकर देख सकते हो।
सा बच्चा था वहाँ पर है, बहुत सारा बच्चा है इसका, अब लोग देख सकते हैं छोटी अल्पेयर है। तो ये नरका कबूतर मैंने बनाया है, तो आप लोग मेरे चैनल में जाकर देख सकते हो, कुछ दिन पहले ही मैंने बनाया है इसका। यहाँ पर तो है, देखिए नीचे एक चोटियल है, इन लोगों का चोटियल बच्चा होता है, ये देखिए यहाँ पर एक है दोस्तों मादी का, आप लोग देख सकते हो दो टाइप का आँख होता है, मतलब दोनों दोनों कलर का है, आप लोग जरूर देख लेना, एकदम यूनिक कबूतर है, बहुत सारे बच्चे हैं। तो सभी का वीडियो है, मैं अभी नहीं दिखा सकता, आप लोग जाके देख लेना मेरे चैनल में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दो दोस्तों के साथ, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दो, एक लाइक कर दो।